इसी शरीर से 21 जन्म लेना, इस शरीर से पुरुषार्थ करेंगे। हाँ शरीर तो यही है ना। हाँ हाँ जो जैसे सातवीं साल बनेगा, हाँ शरीर का कंचन काया बनेगी, कंचन का ही बनेगा ना। इस शरीर से पुरुषार्थ करने पर ही बनेगी। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ, भक्ति मार्ग के संस्कार रह गए, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है ना, वो उनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाते हैं, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते 4.5 लाख अपने धर्म के पक्के होते हैं, उनकी कंचन काया बनती है। वो संस्कार तो भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाते हैं, बहुत ढेर सारे संस्कार हैं, हद में भी तो बेहद में भी संस्कार तो ढेर होते हैं। जो भी अंधश्रद्धा युक्त काम किए जाते हैं वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, और जो भी कारण कार्य का विश्लेषण करके जो काम किया जाता है वो ज्ञान मार्ग का संस्कार है। क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्रीमत क्या कहती है, तो ज्ञान मार्ग का संस्कार। कोई एक तरह के संस्कार नहीं है जीवन में, ढेर संस्कार। भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी रह जाएगी अंत समय में तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। अभी भी शरीर छोड़ रहे हैं, कोई न कोई भक्ति मार्ग का संस्कार उनका इतना कड़ा होता है कि वो 100% पूरा हो जाता है, पक जाता है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। अभी भी बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं एडवांस पार्टी में, तो कहते दोबारा शरीर ले। अब उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि हमको कंचन काया बनानी है, तो लक्ष्य बुद्धि में है, इसलिए दोबारा जन्म लेकर फिर कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा कुमार तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं ये बात है, क्या क्या हमको इसी जन्म में कंचन काया बनानी है, इसीलिए वो शरीर छोड़ेंगे तो गए। उनकी पहुंच ब्रह्मा के पुरुषार्थ तक ही है, या दीदी दादी दादाओं के पुरुषार्थ तक ही है। जो संपूर्ण है, सत्य है, उसको पहचान नहीं पाते। संपूर्ण सत्य को नहीं पहचान पाया माने संपूर्ण ज्ञानी को नहीं पहचान पाया। गॉड फादर को ट्रुथ कहा जाता है ना, ट्रुथ माने सच्चा, सच्चा पातशाह। जितना जितना सच्चाई को पहचानेंगे उतना उस कंचन काया बनेगी और इसी जन्म में बनेगी। शिव बाप को जो तन मिलता है वो बहुत पुराना तन, पुराने से पुराना तन लेता हूँ। सारे ऑर्गन्स खराब, लेकिन काम निकालता हूँ सबसे। जब हो जाएगा तब हो जाएगा, अभी क्या मिला है, अभी शिव बाप को पुराना मिला है, नया मिला है, पुराना मिला है, तो अभी की बात कर रहे हैं। जब मिल जाएगा तो बाप ही नहीं रहेगा, फिर प्रवेश करेगा वो क्या, वो जब कंचन काया बन जाएगी तो शिव बाप प्रवेश करेगा क्या, नहीं प्रवेश करेगा। तो वो तो यही रोते हैं, मेरे को जो तन मिलता है वो भी पुराना मिलता है, जो दुनिया मिलती है वो भी पुरानी मिलती है, सजनियां मिलती है वो भी सब तमो प्रधान सजनियां मिलती है। दादा हमारे जो कमियां है वो सरेंडर करना करना है, तो कल मैंने भेजा था नहीं भाई, पोता में लिख के दिया था जी, पोता में तो पहुंचा नहीं, कन्या को भी भेजा था मैंने वहाँ के लिए, तो गार्जियन नहीं जाने की वजह से घूम भी नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, फिर मैं उनको सरेंडर करना चाहता हूँ। हाँ तो माँ बाप में से कोई एक जाना चाहिए सिग्नेचर साइन करने के लिए। माँ बाप को ही अपने नाबालिग बच्चों को सरेंडर करने का अधिकार है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नानी नाना या चाचा
ये कोई हकदार नहीं है कन्या को सरेंडर करने के। परिवार है क्या जा रही है दो कन्या है? हाँ, है। ठीक है बाबा, जो 4.5 लाख आत्मा है ना जो कंचन का बनाने की बात हो गई है, उसमें तो 9 धर्म का पूरा ही होगा है, 9 धर्म के है ना उसमें। 4.5 लाख लास्ट में सब सूर्यवंशी पक्के बन जाएंगे। पहले तो फिर 9 धर्म से कंप्लीट हो गए, उन पे छिलका होता है सिर्फ दूसरे दूसरे धर्मों का। हो धर्मराज के वो धर्मराज के डंडों से उतर जाएगा। लाख और 4.5 लाख लाखा बात तो एक ही है। 4.5 लाख आत्माएं जो हैं उनमें से 2.25 लाख तो है विजयमाला की और 2.25 लाख है रुद्रमाला की। जो विजयमाला की है वो तो फिर भी विकारों के ऊपर जल्दी विजय प्राप्त कर लेती है। जो रुद्रमाला के हैं हो राजाई संस्कार के हैं और राजा हैं तो बहुत ही पाप करते रहे तो उनका जल्दी देहभान छिलका उतरता नहीं है। ज़्यादा सजाएं खाते हैं, सजाएं खाने के बाद फिर विकारों पर विजय पा लेते हैं, फिर नंबर बार विजयमाला में पिरो ही जाते हैं। रुद्रमाला पहले बनती है, पहले डिक्लेयर हो जाती है, पता भी लगता है कि ये रुद्रमाला के मणके हैं लेकिन विजय नहीं पाते, विकारों पर विजय नहीं पाते इसलिए अधूरे हैं, उनकी पूजा नहीं होती। गायन है रुद्रमाला का, पूजनीय नहीं है, फिर जब विजयमाला में पिरोए जाएं, ऐड किए जाएं, तब पूजनीय बनते हैं। और विनाश से पहले माउंटों में 4.5 लाख आत्मा इकट्ठा हो जाएंगे या विनाश के बाद? अरे तो बाद में इकट्ठे होने से क्या फायदा, पहले ही इकट्ठी होंगी, पहले ही इकट्ठी होकर के वहाँ एकाग्र चित्त होकर के तपस्या करेंगी, समझे। उनको कोई दुनिया का धंधा धोरी रहेगा नहीं, एक ही सामने होगा तो एक ही याद आएगी, दुनियादारी कोई याद आने वाली नहीं। जैसे कराची में थे तो किसकी याद आती थी, एक बाबा दूसरा न कोई है। वहाँ पूरा सत्य का संग होगा कि यहाँ पूरा सत्य का संग लग रहा है, है? यहाँ सत्य का संग पूरा लग रहा है, 100% सत्य का संग इस दुनिया में लग रहा है, नहीं लगा? क्यों नहीं लग रहा है, है? क्योंकि बाहर की दुनिया जो असत्य है उनका भी संग का रंग लगता रहता है, वो भी कुछ न कुछ अपना चेप लगा देते हैं, तो उनका चेप लगने से फिर बुद्धि जो है वो चलायमान हो जाती है, बाबा भूल जाता है। लेकिन जब रहेंगे ही आबू अब्बा के घर में तो दुनिया कोई देखेंगे ही नहीं, दुनिया का प्रैक्टिकल में संग लगेगा ही नहीं, तो जब संग का रंग ही नहीं लगेगा तो याद भी किसी और की आने वाली नहीं होगी। तपस्या वहाँ पर पूरा होगा बाबा? हाँ, असली तपस्या तब होगी। हाँ, बाहर की दुनिया में विनाश होगा बाबा, मुरली में। हाँ, तुम्हारे इसी आँखों से देखना होगा संसार का। हाँ, टीवी में बैठे बैठे देखते रहेंगे। टीवी में तो आएगा विनाश, टीवी से सारे विश्व का विनाश टीवी में नहीं आएगा, उस समय टीवी भी तो खत्म हो जाएगा। टीवी कहाँ खत्म हो जाएगा, टकाए के लिए टीवी, ये तो साधन, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी साधन और बढ़ते जाएंगे, लास्ट में सब 5-7 रोज में सब खत्म हो जाएगा, तो माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा फिर। फिर माउंट आबू बचा रहेगा क्या है, हम बच्चों को बाबा किसी तरह बचा लेगा है? कहाँ कैसे जाएंगी, जब सारी दुनिया में यहाँ से थू थू थैया करेगी तो अपने आप भाग जाओगे। अभी तो कम है, अभी टीवी में तो नहीं आया, अभी अखबारों में तो नहीं आया, अभी रेडियो में तो नहीं आया। जब टीवी में, अखबारों में, रेडियो में, जैसे कलकत्ते के रविंद्र भाई का क्या हाल हुआ था। ग्लानी तो ऐसे होते रहा। हाँ, तो वैसे तो सामान्य ग्लानी होती है, फिर जब चारों तरफ से मीडिया की बौछार हो जाएगी
तो जो अज्ञानी लोग हैं घर मोहल्ला परिवार के, वो तो अखबारों की बात सच्ची मानेंगे, टीवी की बात ही सच्ची मानेंगे, वो तो तुम्हारे इस ज्ञान को नहीं समझे हुए हैं, तो वो रहना दुश्वार कर देंगे। इसलिए बोला गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एडवांस में भी ज्ञान सरोवर है, लागू तो एडवांस ही होगा ना। हाँ, मानसरोवर सच्चा मानसरोवर है यार, कौन सा, वो तो जड़ मानसरोवर है जो राक्षस ताल के पास है। असली मानसरोवर कौन सा है प्रजापिता? असली मानसरोवर है तो जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाई जाती है, तो संग मिलेगा फिर उस समय है। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। अब वो चाहे बेसिक वाले हो चाहे एडवांस वाले हो, ज्ञान कुछ नहीं रहेगा। हैं? ज्ञान ही नहीं रहेगा। नहीं, नंबर वार रहेगा, कुछ क्यों नहीं रहेगा, नंबर वार रहेगा। हाँ, जिन्होंने जितना धारण किया होगा, जितने दूसरों को बांटा होगा, भगवान के ज्ञान रतन मिलते हैं तो दूसरों को भी बांटना चाहिए ना, कि सूम का धन बना के अंदर बैठ जाए। जो भी हम सर्विस कर रहे हैं उसमें भी सर्विस का बीज कैसा डाला है, स्वार्थ युक्त डाला है या निस्वार्थ सेवा की है? जैसी सेवा की है वैसा ही फल मिलेगा। कोई ऐसा भी होता है उस सर्विस कर नहीं सकने वाला है, वो भी हो सकता है, वो भी बात तो बच्चा तो बनते हैं ना। सर ऐसा कौन सा जो सर्विस कर ही नहीं सकता है? तो माताएं मनसा सेवा नहीं कर सकती? मनसा सेवा तो उनकी बहुत तीखी होती है, उनकी तो लगन ज्यादा होती है, वो तो ज्यादा तीखी मनसा सेवा कर सकती है। अब जो अंतिम में जो मतलब सदगुरु का पाठ करेगा, हाँ, तो बच्चा लोग कैसे मतलब उनकी दृष्टि कैसे लेके जो गर्भ में होंगे? गर्भ वाले बच्चे कैसे लेंगे? क्यों, गर्भ से बाहर नहीं आएंगे? मतलब जो अंदर तो रहेंगे, माने उनकी क्या लिमिट है सदगुरु की दृष्टि की, कि 2 महीने मिलेगी, 4 महीने मिलेगी, 1 साल मिलेगी? नहीं, एक दृष्टि मिलेगी तो मतलब, हाँ, तो वो 1 सेकंड की दृष्टि ही उनका काम कर देगी। गर्भ में रहने वाली कैसे? गर्भ से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे, और फिर दृष्टि के लिए कोई जरूरी है कि सामने बैठा हो उसी को दृष्टि मिले? जो सामने बैठे हो, जैसे बाबा कहते हैं मैं सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूँ, बच्चे बैठे हैं लंदन में, वहाँ सर्विस कर रहे हैं, बाप यहाँ बैठे हैं तो उनको याद करते हैं बाप, तो वो तीसरे नेत्र की दृष्टि उनको नहीं मिल रही है ठीक? उनको तो और असली दृष्टि मिल रही है, ये आंखें तो विनाशी है और तीसरे नेत्र वो तो अविनाशी है। हाँ, और अभी ये एडवांस वाले जो फ्री छोड़ेंगे, हाँ, छोटे बच्चे होंगे बिल्कुल, हाँ, तो फिर उनकी पुरुषार्थ क्या जितना करना चाहिए उतना कर पाएंगे? छोटे बच्चे अभी मधुबन में जाते हैं, मना तो नहीं है जाने की, जाते हैं और बाबा से मिलते हैं, तो उनकी बुद्धि में जितना बाबा छप जाता है उतना दूसरों की बुद्धि में छपता है क्या? वो निर्विकारी बुद्धि है, तो निर्विकारी बुद्धि में छाप अच्छी लगती है, तो पुरुषार्थ कितना किसका ज्यादा याद किसको आएगा? छोटे बच्चों को असली याद आएगी। भारतवर्ष में मुझे नहीं आएगा ना, भारतवर्ष में ये आपका ये बम का विस्फोट नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा, ठीक होगा बताए ना? हाँ, प्रकृति का होगा ना यहाँ, ठीक है, जब एटम बमों के विस्फोट होंगे दुनिया में चारों तरफ तो वातावरण तो सारा टूटेगा ना, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं, भारत में भी भूकंप आ सकते हैं, तो भूकंप आएंगे तो बड़े बड़े महल मारियां अटारियां सारे
गिर जाएंगे तुम तो बड़े मजे में रहोगे, गिर भी जाएगा तो निकल के बाहर आ जाओगे। ताश के पत्ते जैसे हल्के, हाँ ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें गिरेंगी है, सारे ही दबके मर जाएंगे। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से, धरती कंप से, एटम बमों से फटने से इतना विनाश नहीं होता। झोपड़ी वाले को उस समय तो अच्छा होगा, बिना ऐसे समय तो झोपड़ी वाले का अच्छा होगा। झोपड़ी वालों को झोपड़ी में रहने दे ना कोई। लेकिन अभी एक कैसेट में बोला ना, उसने बोला कि टीवी सीडी भी नहीं है बाबा। बाबा ने कैसेट में बोला कि तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या करोगे, इनको बेच दो, छोटी सी झोपड़ी टपरी बना के खाली अपना टीवी सीडी लेके बैठ के उसको सुनो। हाँ ज्ञान की दुनिया में भ्रमण करो, लेकिन प्रॉपर्टी बेचते नहीं बनती है ना, पैसों के लिए सोचते हैं। नोटों की गड्डियाँ ये जमीन में रखेंगे तो जमीन हिलेगी, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाए। हो सकता है आग लग जाए, घर में आग लगेगी तो नोटों की गड्डियाँ भी जल जाएंगी। बैंक में डालेंगे, बैंक फेल हो जाए तो वो भी चला जाएगा। हो सकता है इनकम टैक्स घर में उठा ले जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ रहे हैं, तो आखिर क्या करें प्रॉपर्टी का। तो इससे तो अच्छा कि वो नोट बनाने से तो अच्छा प्रॉपर्टी बनी रहने दो, दुनिया खलास हो जाएगी तो प्रॉपर्टी भी खलास हो जाएगी, ऐसे सोचते हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अभी अच्छे दामों में जा रही है बेच दो, और उससे जो कीमत मिले उसे ईश्वरीय सेवा में लगा दो, तो कितने जन्मों का भाग्य बनेगा। लेकिन उतना करें तब जब निश्चय पूरा हो, निश्चय हो तभी तो ऐसा करेंगे, निश्चय नहीं होगा तो कैसे करेंगे। कोई बच्चा ऐसे भी होता है जो निश्चय होता है लेकिन उसके पास करने के लिए होता भी नहीं ना। नहीं होता है तो कुछ तो होता है, तन तो होता है, मन तो होता है, बाल बच्चे तो होते हैं, तो बाल बच्चे तन नहीं है, उनका ही तो तन है। बाबा तो कहते हैं कोई 100 रुपया देता है ईश्वरीय सेवा में, 100 रुपये लगाता है, और कोई 1,00,000 लगाता है। कोई के पास 100 रुपये हैं, उसने 100 रुपये लगाए, और कोई ने 1,00,000 रुपया लगाए, लेकिन उसके पास हैं 50,00,000, बराबर कैसे हो जाएगा। उसने 50,00,000 में से 50वां हिस्सा लगाया, और उसके पास 100 रुपये ही हैं और 100 रुपया लगा दिया, तो ज्यादा भाग्य किसका बनेगा। जिसने जिसके पास है ही 100 रुपया और 100 का 100 उसने लगा दिया, तो उसका भाग्य ज्यादा बनेगा ना, उससे 50 गुना ज्यादा भाग्य बन जाएगा। जैसे माउंट आबू में भी जमीन लेने के लिए बोला, माउंट आबू में जमीन लेने के लिए इशारा दिया, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है आगे चल के बच्चे बाबा अबू अब्बा के घर में आके रहेंगे, जब बच्चे बाप के घर में आके रहेंगे तो सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो उस समय जब खरीद करना पड़ेगा उस समय तो बहुत प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी आबू में, और अभी तो किसी को पता ही नहीं है, अभी दुनिया को पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा पहाड़ भी है जो ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है, और दुनिया में भूकंप आएंगे तो वहां भूकंपों का कोई असर नहीं होगा। इतना जानते हैं कि हाँ एक ग्रेनाइट का पत्थर का एक पहाड़ है, मजबूत पत्थर, अब वो बहुत गहरा गया है, है। मुझे भी तो माउंट आबू में अभी रहे हैं ना, उन लोग भी वो मुझे तो पढ़े हैं, तो उन लोग भी तो सारा माउंट आबू को खरीद रहे हैं। वो पढ़ करके भूल जाते हैं, जो वहाँ जो उस समय ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो ब्रह्मा बाबा के चेहरे पे फायदा होने वाले ज्यादा थे उस समय, या वो मुरली भी फायदा होने वाले थे। हाँ बस ब्रह्म ही बाबा उनके बुद्धि में ब्रह्म ही ब्रह्मा भरा हुआ था। अभी भी बहुत से ब्रह्मा कुमार ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारियों का चेहरा ही देखने के लिए जाते हैं, मुरली सुनने जाते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां ढेर ऐसी हैं जो आने वाले ब्रह्मा कुमारों में फायदा हुई बैठी हैं, शिव बाबा की याद ही नहीं, उन्हें पहचानती ही नहीं है। तो बाहर जो हमारी यहाँ बेहद की शूटिंग है, इसी के कारण से बाहर में
भेद का बड़ा रूप हो रहा है। हाँ। होगा ही, जो इधर में हो रहा है यहाँ छोटा है रूप है, वहाँ बड़ा रूप होगा। धर्मराज का जो सजा ना बाबा है, धर्मराज का सजा जो एडवांस पार्टी जो एडवांस बच्चा है वो वही खाएगा ना। धर्मराज सजा तो सारी दुनिया खाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में धर्मराज का अनुभव जो है, जो एडवांस वाले हैं वो पहले अनुभव करें। बाबा हमारा यहाँ का ना जितना भी माता कन्या जितना बच्चा बाबा का बच्चा है हम लोग का माता कन्या लोग का सरेंडर करके भाई लोग खाली यहाँ रहने का मतलब ये हम लोग सोचते हैं। सारी कन्याओं माताओं को सरेंडर करेंगे अभी फिलहाल नहीं, थोड़ा दिन बात करें थोड़े दिन। कभी ऐसा नहीं कि अभी बोलने लिखा पड़ी हो जाए। लिखा पड़ी होने के बाद नहीं, अभी तो दो कन्या का ऐसे दो कन्या का सरेंडर करना है, बाद में माता लोग को भी मतलब भेज देंगे, उसके बाद में भाई लोग पढ़ना भी यहाँ रहेंगे। अभी तो चल रहा है। अच्छा मुझे भी ये भी आता है कि गीता पाठशाला जरूरी है, क्योंकि सारे दुनिया उनमें तो मधुबन जैसा बनाना है, शीशे के महल गीता पाठशाला बनेगा। हाँ, गीता पाठशाला का भी नक्शा ऐसे बनाओ जैसे मधुबन छोड़ के जाएंगे। हाँ। बाहर वाला तो सुनेंगे नहीं ना। हाँ जी, इसीलिए फिर मुरली का जो पानी है उनको सुन के हम लोग चुप बैठे गए। ठीक है ना बाबा, लक्ष्य तो ऊँचा है, ऊंचा लक्ष्य है तो लक्षण भी ऊंचे आएंगे। हाँ जी, तो मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार होगा ही होगा। बताते हैं जिसे मुरली में ही सब कुछ कर लेते हैं। अभी यार ऐसा है कि साधन गाड़ी का भी उतना खास साधन नहीं है, अभी गाड़ी का भी साधन हो रहा है, पहले तो ऐसा भी नहीं था बाबा, पर पैदल चलना पड़ता था। ठीक, तो साधन बहुत आगे और अपना कुछ नरसी शुक्ला नारी से लक्ष्मी वाली जो पवित्रता है ना, तो इसमें कई ऐसे करते हैं कि वो भी तो पवित्र थे, ये भी पवित्र है, वो थे दृष्टि तक पवित्र और ये है वाइब्रेशन और वृत्ति तक पवित्र। जो नर से नारायण बनने वाले हैं वो वृत्ति से और वाइब्रेशन से पवित्र है, माना उनके वाइब्रेशन भी उनके नजदीक जाने से नजदीक जाने वाले के वाइब्रेशन भी गलत नहीं चल सकते, संकल्प भी दुष्ट नहीं चलेंगे, ऐसी पवित्रता उनके अंदर समा जाएगी। और ये पवित्रता का वाइब्रेशन ब्रह्मा सरस्वती के पास नहीं हो पाया ऐसा। वो दृष्टि में दृष्टि दिखा रखे, राधे की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि जो राधे में डूबती है, माने दृष्टि से ही संतान पैदा हो सकती है उनकी, वाइब्रेशन से नहीं। वो दृष्टि स्थूल है सूक्ष्म है या वृत्ति सूक्ष्म है? वृत्ति माना वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होते हैं या दृष्टि ज्यादा सूक्ष्म होती है? वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो जो ज्यादा सूक्ष्म होगा उसमें ज्यादा ताकत होगी ना, इसलिए जो पांडव का ऐसा किला होगा बाबा। हाँ। पांडव का ऐसा किला होगा उसमें एक भी घुस नहीं पाएगा, ऐसे बताया ना। हाँ, वो पांडव का किला ऐसा मजबूत होगा ना। हाँ, उसमें एक विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। वो किला तो हमारा माउंट आबू है। माउंट आबू को ये स्थान की बात थोड़े ही है, पांडव ये पांडव किला वाला पांडव है, श्री पांडव पुरुष हो रही है। पांडव माने रुद्रमाला, पांडव हो गए ना, बड़े खुश हो रहे हैं पांडव। नाम तो आया पांडव, पांडव ही है तो आपको देवान क्यों आ रहा है? माता कन्या को बाबा ने कहा माता कन्या को आगे रखता हूँ। हाँ, तो माताओं कन्याओं को आगे रखता हूँ, तो जो जिन्हें पुरुष वृत्ति है वही तो पांडव है ना। है तो शरीर को देख के बोला गया कि ये उसको माता आत्मिक स्थिति को देख करके बोला गया, आत्मिक स्थिति जिसकी ज्यादा हो। तो स्त्री चोले में पुरुष का हो, स्त्रियों को देवान रहता है, स्त्री चोले का देवान भान होता है कुछ न कुछ, और पांडवों को नहीं होता है। पांडव गलमरे, शक्तियों के लिए गाय नहीं है, शक्तियाँ गलमरी देवान से, लेकिन शक्तियाँ युद्ध क्षेत्र में संघार। ओ ठीक है, विनाश बढ़िया करेंगे, युद्ध क्षेत्र का बात है ना। हाँ,
तो विराज के बगैर सत्य की स्थापना भी तो नहीं होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। जो एक वो कुत्ता जो साथ साथ ले गया बाबा बताते हैं ना, है? जो पांच पांडव करते गए कुत्ते को भी साथ ले गए, हाँ? तो वो कुत्ता किसका, कुत्ता किसके लिए बताया गया, ये कुत्ता कौन बीज रूप में चला गया? कोई कामी कुत्ता होगा बीज रूप आत्माओं में, वो भी स्वर्ग में गया, उसका परिवार भी स्वर्ग में गया। फिर बोला कि लेकिन शिकारी तो जाएंगे तो वो गिर पड़ेंगे। अच्छा तो गिर तो पड़ते हैं, गिर ही तो पड़ते हैं, स्वर्गारोहण करते 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 सबसे पहले कौन गिरा, सबसे पहले कौन गिरा, कुत्ता, उसके बाद द्रौपदी गिरी, फिर नंबर बार पांडव, अंत में रहेगा युधिष्ठिर, जो युद्ध में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहेंगे सो स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। जैसे कामी आत्माओं के मैं बंदर लग मंदिर लग कर बनाता हूँ, हाँ तो है, लेकिन उसको मंदिर लग के जब बनाते तब स्वर्ग में प्रवेश करता, स्वर्ग में प्रवेश करेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी कुत्ता जैसे आदमी जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसको कुत्ता को मंदिर लग के बनाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर जाएंगे तो थोड़ी। ब्रह्मा जो शरीर छोड़ गया हार्ट फेल होकर के, बाबा ने कहा योगी का हार्ट कभी फेल हो नहीं सकता, मुरली में बोला, तो जीवित ब्रह्मा की बात है या ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चे में मुकर्र रूप से प्रवेश होकर के जो पार्ट बजाती है उसकी बात है, है? अच्छा एक ही तो शरीर है, जगन्नाथ और श्रीनाथ है एक ही चीज कि अलग अलग है, व्यक्ति एक है या दो है, व्यक्ति व्यक्ति माने पर्सनालिटी, आत्मा नहीं, आत्मा को व्यक्त नहीं कहेंगे, आत्मा अव्यक्त है कि व्यक्त है, आत्मा तो अव्यक्त है, लेकिन व्यक्ति माना पर्सनालिटी जो देखने में आता है इन आँखों से उसको कहते हैं व्यक्त, वो एक ही है, चाहे वो जगन्नाथ के रूप में हो कहा जाए और चाहे वो श्रीनाथ के रूप में कहा जाए। इसमें कोशिश कर रहे थे कभी कभी योग लगेगा कभी नहीं लगेगा बाबा। पूर्व जन्म में कभी बहुत अच्छे काम किए हैं और कभी बहुत खराब काम किए हैं, तो वो खराब कर्मों की रील जब संगम युग में उदय होगी तो याद आएगी या नहीं आएगी, खराब कर्मों की 63 जन्मों के खराब कर्मों की रील संगम युग में उदय हो रही है तो याद आएगी या नहीं आएगी, नहीं याद आएगी, कठिन कठिनता से याद आएगी, लेकिन उस समय और ज्यादा याद करना चाहिए। और हाँ बाबा को याद करना चाहिए कि सिर्फ बाप को याद करना, बाबा को याद करना चाहिए या सिर्फ बाप को याद करना चाहिए, सिर्फ बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहा जाता है साकार निराकार दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, निराकार माने बिंदु और साकार माने इसका साकार में चेहरा दिखाई पड़ता है, वो दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको याद करना चाहिए। अभी तो बताया शिव बाप वो योग नहीं सिखाता, योग कौन सिखाता है, शिव बाबा योग सिखाता है, तो किसको याद करना चाहिए, शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा इससे भी संबंध जोड़ने की बात कही, हाँ जी, तो संबंध तो कोई ऐसा तो नहीं है कि साकार से ही कोई शरीर का संबंध होता है, जैसे अभी ऐसा तो कोई नहीं है जो साकार से शरीर के संबंध होता है, कईयों का ऐसा है मतलब जो सोचते हैं कि जैसे कि हम लोग सर्व संबंध साकार बाप से जोड़ रहे हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये उनके दिमाग में डाल दिया गया, तो ये जो वो आपको बोल रहे हैं कि सर्व संबंध एक बाप से है, तो हमारे तो यहाँ ऐसा है नहीं, हमारे तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी में ऐसा है नहीं,
तो यूं तो निराकार को याद करते हैं तो आपके ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा कुमारी से तो कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ। अभी बाप ने बोला हमारी ब्रह्मा कुमारी में तो ऐसा है, कहती है हमारी ब्रह्मा कुमारी में ऐसा नहीं है। हाँ, वो कहती है भी एक निराकार, हम तो निराकार ज्योति बिंदु में रहते हैं। हाँ, तो सर्व संबंध हम तो मन बुद्धि से बैठे बैठे हाँ जोड़ते हैं। अच्छा, उन्हें संबंध शब्द का अर्थ नहीं मालूम है क्या? उनको संबंध शब्द का अर्थ क्या है वो पता ही नहीं। संबंध, सम माना संपूर्ण और बंध माना बांधना। सम माना संपूर्ण और बंध माने बांधना, और सम माना समान और बंध माने बंधन, समान बंधन। क्या? समान बंधन, उसको कहते हैं संबंध। क्या? वो भी दृष्टि से हमको देख रहा है, हम भी उसको दृष्टि से देख रहे हैं, तो दृष्टि के द्वारा समान बंधन हो गया। वो भी सब इंद्रियों से हमको प्यार कर रहा है और हम भी उसको सब इंद्रियों से प्यार कर रहे हैं, तो ये हो गया संबंध। संबंध कोई न कोई साकार इंद्रियों के साथ बंधने को कहा जाता है संबंध। क्या? बिंदी के साथ संबंध नहीं जुटता। संबंध कब जुटता है? जब वो निराकार साकार में आता है। अगर ऐसे ही संबंध जुट जाए तो ऊपर से नीचे आने की क्या दरकार? फिर तो बिंदी के साथ संबंध जुट जाता है। वो तो सब साकार में आता है तब संबंध जुटते हैं अनेक प्रकार के। मुरली में भी बोलते हैं, मैं बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ, तुम बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं हो, मेरे बच्चे, बच्ची भी नहीं, क्या हो? बच्चे, और मैं तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं है। कब? जब मैं बिंदु रूप में हूँ और तुम भी बिंदु रूप में हो। फिर जब मैं बिंदु किसी शरीर साकार शरीर में प्रवेश करता हूँ तो अनेक प्रकार के संबंध जुटते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो माँ का संबंध जुटा, और बाप के रूप में प्रवेश करता हूँ राम बाप में तो बाप का भी संबंध है, टीचर का भी संबंध है, गुरु का भी संबंध है, सर्व संबंध है। अव्यक्त वाणी में बोला है, जिस संबंध की भाषणा में संगम युग में कमी रह जाएगी वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे भक्ति मार्ग में। क्या? मान लो कोई बाप के संबंध में अनुभव नहीं कर पा रहा है अभी संगम युग में, बाप के साथ अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो जो 63 जन्म होंगे उसमें बाप के प्यार के लिए तड़पता रहेगा, उसे बाप का वो जो तृप्ति होनी चाहिए वो संगम युग में फाउंडेशन पड़ गया अतृप्त रहने का, वो फाउंडेशन वहां तक चलता रहेगा। ऐसे ही हर संबंध के बारे में। और बाबा जी, जो मुद्रा माला जो सवादी लाख बताया, 4.5 लाख सवादी लाख विजय माला और सवादी लाख मुद्रा माला, और मुद्रा माला जो भक्ति होता है बाबा, अभी तो 2008 तक लगभग विजय माला विष्णु का पाठ बताया गया था बोला, तो फिर भक्ति जो होगा ये जो अभी 7 दिन से चल रहा है कंपनी में, सभी का वही कंपनी में 7 दिन ऐसे नियम होगा, कैसे होगा वो? कैसे अभी तो लगभग 15-20 हज़ार के आसपास में, तो 2.5 लाख का भक्ति कैसे होगा? 2.25 लाख की होनी है, 4.5 लाख की भी होनी है। तो वो तो पवित्र है ही ना? वो पवित्र है, वो योग लगाए बगैर ही पवित्र बन जाते हैं। मतलब भगवान ने बताया वो तो जन्म जन्मांतर की रानी क्वालिटी। हाँ, रानी क्वालिटी की आत्माएं तो हैं, लेकिन अभी जो रानी क्वालिटी की आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंशी हैं जो भी हैं, वो अभी दृष्टि किससे लेती है और देती हैं? देहधारियों से दृष्टि लेती रहती हैं, तो पतित बन रही हैं, पावन बन रही हैं। कौन सी मुरली में बताया है कि जात जात के पतित मनुष्यों से बैठ करके दृष्टि लो और दो, इंद्रियों इंद्रियों में डुबो? एक बात है दृष्टि बोले, ये पतित बना नहीं हुआ फिर याद नहीं आएगा?
आँख से जिसको देखेंगे और घंटों बैठे बैठे देखते रहेंगे, वो तो सारा आठ आठ घंटे के योग लगा देते हैं, बैठ जाते हैं, तो याद नहीं आएंगे वो। तो पतित हुआ हो रहे हैं या पावन बन रहे हैं? पतित बन रहे हैं। तो बिना बाप की याद के पावन बन जाएंगे वो? उनको भी ज्ञान चाहिए बाप का, बाप की पूरी पहचान चाहिए। वो ठीक है, उनकी बुद्धि में ज्ञान की पहचान बड़ी जल्दी बैठ जाएगी, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, कोई कन्या होती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान छप जाता है जल्दी से, और जो भिखारी होते हैं उनकी बुद्धि में इतनी जल्दी ज्ञान बैठता नहीं। तो वो पवित्र आत्माएं आएंगी उधर से कम शरीर से तो अपवित्र नहीं हो रही है। तो जो आश्रम के पवित्र वातावरण में रही पड़ी हैं वो इधर आएंगी तो जल्दी से ज्ञान उनकी बुद्धि में छप जाएगा, और छपा हुआ ज्ञान वो दूसरों को बांटना भी शुरू कर देंगी। क्या जो भिखारी मनुष्य होता है वो भले ज्ञान ले ले, और ज्ञान लेने के बाद फिर भिखारी बनता है घर में जाके, तो उसके मुख में से ज्ञान निकलता ही नहीं, वो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना पाता। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान छप जाता है वो दूसरों को ज्ञान सुनाए बगैर रह नहीं सकता। तो इसीलिए बोला कि ब्रह्मा कुमारियों में से लास्ट में आएंगे और ये इनसे पहले चले जाएंगे। हाँ जी, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। एक कैसेट में अभी बोला था कि जो आदि में अभी साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदि में जो शुरू में जब साक्षात्कार हुए तो बहुत आत्माएं निकली थी, प्रजा क्वालिटी समझ लीजिए कैसी थी, तो अंत में भी ऐसा ही होगा क्या साक्षात्कार के द्वारा अंत में? तो क्या इसी जो राम बाप के द्वारा साकार बाप का जो पाठ है, क्या इसी के द्वारा ही सब साक्षात्कार होंगे? आदित्य वाणी में बोला है बाप के वारसदार भी बनते हैं, बाप की प्रजा भी बनती है और बाप के भगत भी बनते हैं। क्या तो सवाल ये है, बाप अपने वारसदार बच्चे बनाने के लिए आता है या प्रजा बनाने के लिए आता है? राजा बनाने के लिए आता है, राज्यों को सिखाने के लिए आता है या प्रजा बनाने के लिए आता है? राजा बनाने के लिए। फिर प्रजा कैसे बन जाती? बाप, बाप से भक्ति तो आती नहीं, बाप से तो ज्ञान आता है, भक्ति रावण से आती है, तो बाप के भगत कैसे बन जाते? अव्यक्त वाणी में बोला है बाप के वारसदार बच्चे भी हैं, प्रजा भी है और भगत भी हैं, और वो यहीं तैयार हो रहे हैं, होंगे या हो रहे हैं। तो आधी तो अंत बोला ना, इसलिए आधी में जो हुआ था वो अंत में सब होगा। आधी में भी साक्षात्कार हुए थे। हाँ, तो जिनको साक्षात्कार हुए वो हो गए भगत, लेकिन उस समय साक्षात्कार जो हुए थे वो कृष्ण के हो रहे थे और बूढ़े ब्राह्मण के हो रहे थे। उसके लिए मिसाल दिया है, जैसे आज में कृष्ण के साक्षात्कार होते थे और बूढ़े ब्राह्मण के साक्षात्कार होते थे, रचना के साक्षात्कार होते थे आदि में, ऐसे अंत में अब बाप को देखेंगे। तो कईयों का कहना, तो जो बंद आंखों से देखेंगे वो हो गए भगत, उनकी बुद्धि में ज्ञान समझाने से भी नहीं बैठा होगा तो साक्षात्कार से उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। मुरली में तो बोला है, जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे कि बाप आया हुआ है, मुरली में आगे बोला है ऐसों को भगा देना चाहिए। क्या वो हमारे काम के नहीं है? वो बाप के वारसदार बच्चे नहीं है? वो हमारे कुल में आने वाले नहीं, हमारा राजकुल है, हमारे राजकुल में वो आने ही वाले नहीं है, तो हम अपने राजकुल को बर्बाद क्यों करें उनके संग के रंग से? भगा दो। क्या ये दो प्रश्न इन्होंने दोनों ने पैदा किए और वो पूरे हल नहीं हो पाए। हाँ, अपनी बात पूरी करो। बोला जो आधी तो अंत कहा ना। हाँ जी। तो आधी में भी जैसे मम्मा को भी जेल, उम्रादी मम्मा को भी जेल में ले गए थे, जब जेल हुई थी, जब केस हुआ था ना, कोर्ट में ले गए थे, कोर्ट में, वही तो कोर्ट, वही तो कैसे कोर्ट और जेल एक ही बात है।
तो जेल वाली कोर्ट में गए थे, केस हुआ था, मतलब केस तो हुआ था ना उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी भी जो हो रहा है, हाँ। अभी भी तो अपने एडवांस में भी हमारा आदि शांत हो रहा है, हाँ। तो ब्रह्मा कुमारी हमारे भाई बहनों में यही फैलाती है कि देखो अगर भगवान होते हैं तो फिर जेल में जाती है क्या? अरे भगवान तो जेल में पैदा ही हुआ था। कृष्ण भगवान जेल में पैदा नहीं हुए थे फिर? तो दूसरा उनका कहना यही होता है कि अगर भगवान है, हाँ, अगर वो तुम्हारा भगवान है, हाँ, तो फिर वो हमारी मुरली ले लेकर के वो पढ़ पढ़ के उत्तर ले लेके पढ़ पढ़ के सुनाता है, तो भगवान है तो वो अपनी मुरली क्यों नहीं रख लेता है? उसमें भगवान तो है, इसी बाबा तो है, तुम्हारी मुरली क्यों सुनाता है? पहली बात तो ये है, हमारी मुरली और तुम्हारी मुरली होती है क्या? मुरली एक भगवान की होती है या हमारी तुम्हारी होती है? एक भगवान। मुरली तो हमारी तुम्हारी होती नहीं, मुरली तो भगवान की ही होती है। दूसरी बात, भगवान है, भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो वो तीन तरह के पार्ट बजाता है, बाप, टीचर और सदगुरु। तो टीचर के रूप में जब पार्ट बजाता है तो टीचर टेक्स्ट बुक लेकर के पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ता है? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है और टीचर उसका अर्थ समझाता है। अब एक ही शरीर में टीचर भी बैठा हुआ है सुप्रीम सोल तीसरे नेत्र के रूप में, और स्टूडेंट भी बैठा हुआ है अधूरे चंद्रमा के रूप में। तो कौन पढ़ता है और कौन समझाता है? मुरली पढ़ता कौन है और मुरली का अर्थ कौन समझाता है? ब्रह्मा बाबा हुआ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, वो मुरली पढ़ता है और समझाता कौन है? शिव बाबा टीचर बन करके उसका अर्थ समझाता है। उसे मुरली को रेफर करने की जरूरत थोड़ा ही है, उसकी तो खुद की बोली हुई मुरली है, उसे पढ़ने की क्या दरकार? तो कहते हैं कि अगर भगवान है तो छुप छुप के भागने की दरकार क्या है? अरे कृष्ण भगवान है, जब कंस है मुरली में बोला है जब मैं आता हूँ तो कंस, जरासंध, शिशुपाल तुम बच्चों की पिछाड़ी पड़ते हैं, आता हूँ तभी तो कृष्ण और कंस होते हैं। अभी संगम युग में कृष्ण और कंस हैं या सतयुग में होंगे? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे, अभी है कंसी जरासंधी, ये मुरली में बोला है। तो अभी कृष्ण भी है साकार में और कंसी जरासंधी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं मिल जाए तो हम उसको अभी हाल दुपट्टा करें। ये तो हुई कृष्ण की बात कि कंस के डर से कृष्ण गांवड़े गांवड़े में भागा भागा फिरता था, कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में, कभी किसी गांव में। तो ये जो कथाएं हैं वो किस समय की हैं? अभी संगम युग की याद, संगम युग की यादगार है। चलो ये तो कृष्ण की बात हुई, तो अब आ जाओ राम के ऊपर। राम को जंगलों में मारा मारा नहीं फिरना पड़ा? रावण का आक्रमण होता था और राम को मनुष्य नहीं मिले, जंगल में कौन मिले? बंदर मिले। कांटों के जंगल में बंदर मिल गए और रावण को मनुष्य मिल गए। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, है? रावण को मनुष्य मिले और राम को बंदर मिले, कारण क्या है? ये युक्ति है भगवान की, भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने की ये युक्ति है कि न सांप मरे न लाठी टूटे। क्या सांप भी भाग जाए और लाठी भी बच जाए, माने दुनिया में खून खराबा ना हो, ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चे सेफ्टी से ज्ञान ले लें, राजयोगी बन जाए, नई दुनिया भी बन जाए। क्या नहीं तो दुनिया में राजाई ऐसे ही नहीं मिल जाती है, कितना खून खराबा होता है तब राजाई मिलती है, लड़ाई होती तभी तो राजाई मिलती है, बिना लड़ाई के कहीं राजाई मिलती है? तो भक्तों ने वो महाभारत युद्ध दिखा दिया है, रामायण का युद्ध दिखा दिया है, देवासुर संग्राम दिखा दिया है, वो समझते हैं कि स्थूल लड़ाई हुई होगी। अरे महात्मा लोग भी ये नहीं सिखाते कि हिंसा करो, तो भगवान आके हिंसा करना सिखाएगा क्या? वो तो युक्ति से काम निकालता है। क्या युक्ति है? हम बच्चों को भी ऑर्डर देते हैं बाबा मुरली में,
कि तुम्हें कोई मारने आवे तो तुम क्या करो? हैं? गांधी जी तो सिखाते थे कोई गाल में एक चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो, ये तो गांधी जी सिखाते थे। और शिव बाबा क्या सिखाते हैं? अगर कोई हिंसा करने आए, मारपीट करने आए तो तुम क्या करो? भाग जाओ। तो हम बच्चों को ये बात सिखाते हैं तो वो बात अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे? बाबा जैसे कि रामायण में अच्छा आप ये राम की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई, अभी रही शंकर भगवान की बात, जो असली भगवान है, उनके लिए क्या दिखाते हैं? भस्मासुर पीछे पड़ा तो लड़ाई लड़ी या भागे भागे फिरते रहे सारी दुनिया में? सारी दुनिया में भागे भागे फिरे, उन्हें कहीं शरण ही नहीं मिली, खुद ही तो वरदान दिया और खुद ही भागा भागा पीछे। तो भगवान भागा भागा नहीं करता है क्या? हैं? नहीं बाबा, जहाँ भी भगवान जाते हैं वहाँ कुछ कल्याण तो होगा, जैसे भी नेपाल में अपने यही भगवान नाम ही तब पड़ता है जब भागा भागा फिरता है। ओ भगवा भगवान भरुआ है। हाँ रण क्यों? कृष्ण का नाम रण छोड़ नहीं है? रण माना युद्ध और छोड़ माना छोड़ के भाग जाए, जो युद्ध छोड़ के भाग गया उसका नाम रण छोड़। तो उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान तो है नहीं क्या? वो भी तो विदेशी आत्माएं हैं, विदेशों में जन्म लेती रही, अभी संगम युग में आकर के ब्राह्मण बन गई। ब्राह्मण बनने के बाद उन्हें शास्त्रों का उतना गहरा ज्ञान है नहीं तो वो कैसे समझेंगे, इसलिए वो उल्टे पलटे प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी भगवान गए तो वहाँ कुछ कल्याण तो जरूर होगा ना? तो हो रहा है ना, देखो नेपाल में कल्याण हुआ कि नहीं? वही बात देख रहे हैं कि नेपाल में अभी तक तो था। जैनियों में ये मान्यता है कि तीर्थंकर भगवान जहाँ जहाँ कहीं जाते रहे वहाँ कुछ वहाँ जो परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाती है, अपने आप अपने आप। जहाँ से कहीं अकाल पड़ रहा है और जहाँ अकाल पड़ रहा है और वहाँ भगवान के चरण पड़ गए, भगवान पहुँच गए तो वहाँ हरा भरा होने लगता था। कहीं बाढ़ आ गई और भगवान वहाँ पहुँच गए अपने तो बाढ़ धीरे धीरे बंद हो गई, खलास हो गई। तो भगवान के जाने से कल्याण होगा या कल्याण होगा? कल्याण ही कल्याण है। जहाँ अकल्याण दिखाई भी पड़ता हो तो वहाँ भी समझना चाहिए कि अभी हमें समझ में नहीं आ रही ये बात, लेकिन आगे चल के इसका फल अच्छा होने वाला है। उसका तो नाम ही शिव है भगवान का, नाम क्यों पड़ा? कोई काम किया होगा तभी तो शिव नाम पड़ा है। शिव माना क्या होता है? कल्याणकारी। वो जो भी काम करेगा, जो भी बोलेगा, जो भी सोचेगा उसमें कल्याण ही कल्याण है। कोई भी कर्मेंद्रिय से काम करेगा उस कर्मेंद्रिय के कर्म में कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो नहीं सकता। हा? भगवान भी ऐसा काम करता है क्या? मुसलमान लोग ऐसे समझते हैं क्या? साल में पशुपतिनाथ है इसलिए उसकी यादगार होगी। हाँ जी, अभी जो पाठ आया है या चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पशुपति का ही पाठ चल रहा था जो आते ही ये कल्याणकारी सीन हुआ। अभी पशु माने जानवर, जानवर बुद्धि, जानवर में मनुष्य में क्या अंतर होता है? जानवर जो है कोई भी आवेग आता है, कोई भी एक्साइटमेंट आता है तो सोचता नहीं है, वो जो कुछ करना है सो कर बैठता है। और मनुष्य असली अर्थ में जो मनुष्य है, जानवर बुद्धि मनुष्य नहीं है, तो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा कि इसका अंजाम क्या होगा तब करेगा। तो नेपाल में यादगार बनी हुई है क्या? पशुपति नाथ। जो पशु जैसी आत्माएं हैं, जानवर बुद्धि आत्माएं हैं, जानवरों की तरह कर्म कर बैठती हैं, ऐसे जानवरों का जो पति है क्या, जानवरों की जो रक्षा करने वाले हैं पशुपति, और फिर उनका भी नाथ। जानवर जैसी आत्माओं के जो पति हैं,
रक्षक हैं, उनके भी नाथ स्वामी। तो श्रेष्ठी पार्ट है ना। और हाँ कोई नहीं, हाथ उठा दो। ये अष्टरतन ये जो वीडियो है, जब प्रश्न पूछते हैं तो सामने ले लेना चाहिए। ये में क्या फर्क है बाबा हैं और अष्टदेव में? हाँ, क्या फर्क है? अष्टरतन वो है जो 108 की माला में 12-12 के ग्रुप हैं हर धर्म के, उन हर धर्म के ग्रुप्स के मुखिया हैं, वो अष्टरतन हैं। रत्नों की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती है, कहाँ हीरा और कहाँ मोती, वैल्यू में बहुत फर्क हो गया ना। तो जो सूर्यवंश का मुखिया होगा वो तो हीरा रतन हुआ, और जो आर्य समाज का मुखिया होगा उसकी वैल्यू तो बहुत कम हो गई। तो रत्नों की वैल्यू में बहुत अंतर होता है, जो अष्टदेव होते हैं उनमें बहुत स्लाइट अंतर होता है, सिर्फ फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर होगा, जो पहचानने में भी नहीं आएगा। अष्टदेव सूर्यवंश में से होते हैं, क्या है, देव है कि रतन है? देव, देव। दूसरे धर्म वालों को भी देव कहा जाएगा या सूर्यवंशियों को ही देव कहा जाएगा? हैं? चंद्रवंशियों को सेमी देवता कहेंगे या संपूर्ण देवता कहेंगे? सेमी देवता कहेंगे। सेमी देवता की देव के रूप में पूजा होनी चाहिए, पूजनीय होने चाहिए, नहीं? आठ नारायणों में 7 नारायण जो होते हैं बाद वाले, उनकी पूजा होती है क्या भारतवर्ष में? नहीं। क्यों नहीं होती? होती, होती? कहाँ देखी? सतयुग में जो 7 नारायण बाद वाले हैं, बाद वाले जो 7 नारायण हैं, उनकी पूजा होती है भारतवर्ष में? हैं? गायन है, पूजा की बात कर रहे, पूजा नहीं होती। पूजा का आधार है संपूर्ण प्योरिटी, उन्होंने संपूर्ण प्योरिटी का पालन नहीं किया है इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। इसलिए जो अष्ट देव हैं जिनकी पूजा होती है, तो वो संपूर्ण देवता हैं या खंडित देवता हैं? खंडित है? नहीं, ये चंद्रवंश में अष्ट देव जो हैं वो संपूर्ण देवता हैं, सूर्यवंशी देवता हैं, वो खंडित देवता नहीं है। अगर खंडित होते तो उनकी भी पूजा नहीं होती। बाकी ये जरूर है कि वो अष्ट देव जब अष्ट रतन में प्रवेश करते हैं बुद्धि योग से तो एक हो जाते हैं। कई धर्म में उन लोग भी आ जाता है, बेधर्मी लोग सूर्यवंशी बन जाते हैं। अष्टदेव, अष्टदेव कई धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, नौ धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, हर जन्म में, हर जन्म में 10 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, हर जन्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। सत्यु में क्यों कन्वर्ट होंगे? सत्यु में तो कोई कन्वर्ट नहीं होता, त्रेता में कोई कन्वर्ट नहीं होता। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं दूसरे धर्म में जो नारायण बनती हैं और नारायण के फॉलोअर्स बनते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। बाकी जो अष्ट देव हैं वो 62 जन्म लगातार कन्वर्ट नहीं होते, आखिरी जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो बोला है कि विदेशियों से बात करते हैं, डबल विदेशियों से बात करते हैं, तो अष्टदेव सारे क्या हो गए? उनमें से मोस्टली विदेशी है, और बाप भी क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन। जब बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है तो जो असली बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी विदेशी हुए, आखिरी जन्म में आके सब नीचे गिर जाते हैं, नीचे गुरुओं को आकर के बाप उठाते हैं। और
कौन दोबारा वो ठीक करेंगे जैसे कोई भारी भूल हो जाए, श्रीमान की बरखिलाफी हो जाए, जैसे कि उसने बट्टी कर ली, कुमार है कुमारी है और फिर उसके बाद शादी कर ली, तो उनको शादी कर ली तो भारी भूल हो गई ना, तो उनको दोबारा भट्टी करनी पड़े, माफीनामा लिखना पड़े। मतलब शुरू शुरू में गए तो इतना नहीं समझ पाए, तो क्या ऐसे रिफ्रेशमेंट के लिए हम दोबारा भट्टी कोई पार्टी को ले जाए? कोई जरूरी नहीं, जिसकी भट्टी खंडित हो जाए, जैसे 6 दिन भट्टी में रहे और 7वें दिन बाहर चले गए, तो उनको दोबारा भट्टी करनी पड़े। आप जब भट्टी की थी तो 7 दिन अंदर ही रहे ना, है तो बाहर वाली दुनिया वालों से बातचीत तो नहीं की, नहीं की ना, तो फिर आपकी भट्टी दोबारा होने का क्या मतलब? जाना नहीं था।